जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ महिंद्रा एक्सयूवी 700 के कुछ प्रोज एंड कॉन्स। जी हाँ, इस व्हीकल में भी थोड़े बहुत कॉन्स हैं, विच आई थिंक इन माई पर्सनल ओपिनियन आर नॉट दैट बिग ऑफ अ डील, बट क्या पता आप लोगों के लिए हो, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ इसको शेयर कर दूं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो मैंने XUV 700 को XUV 500 के साथ भी कंपेयर कर दिया है, XUV 700 के प्राइजेस भी आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं और साथ ही साथ XUV 700 के वेरियंट वाइज फीचर्स भी बता दिए हैं। आई कार्ड में लिंक फ्लैश और अगर प्लेलिस्ट है उसको आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, सारी XUV 700 से रिलेटेड वीडियोस उसी प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगी। तो स्टार्ट कर लेते हैं इसके कॉन्स से ही, जो कि इसके राइवल्स में कॉमन रहता है ये कॉन, तो जो कि रहती है इसकी बूट स्पेस। अगर आप 7 सीट्स इसकी अनफोल्ड करके रखेंगे तो आपको थर्ड रो के पीछे जो बूट स्पेस देखने को मिलेगी दैट विल बी वेरी वेरी लेस। हालांकि अगर आप 5 पैसेंजर्स बैठ के जा रहे हैं तो आप जो थर्ड रो सीट्स हैं उनको फोल्ड करके बूट स्पेस बढ़ा सकते हैं, देन इट विल बी गुड। बट अगर आप 7 पैसेंजर्स बैठाना चाहते हैं गाड़ी में तो आपके पास बूट स्पेस तो बिल्कुल ही नहीं बचेगी, आपको तो रूफ कैरियर लगाना पड़ेगा। बट इस गाड़ी पे रूफ कैरियर भी कौन लगाएगा, बिकॉज इसमें पैनोरामिक सनरूफ जो आपको देखने को मिलेगी, सो दैट्स अ डिसअपॉइंटमेंट। और इन माई ओपिनियन ये हर इस सेगमेंट की गाड़ी में देखने को मिलती है हमें प्रॉब्लम, जरूरी नहीं है XUV 700 की है, सो इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ डील। सेकेंड जो कॉन रहता है दैट इज क्रैम्प्ड थर्ड रो सीट। अगेन ये वही से रिलेटेड हो गया, उसी फर्स्ट कॉन से रिलेटेड हो गया कि आप पीछे बच्चे ही बिठा सकते हैं या छोटी हाइट वाले जैसे कि 5'4" 5'5" वाले आराम से बैठ सकते हैं, बट हाँ थोड़ा बहुत क्रैम्प्ड तो फिर भी रहेंगे बिकॉज इसकी सेकेंड रो जो सीट है दैट इज़ नॉट, आपको आगे पीछे स्लाइडिंग नहीं देखने को मिलती है, वेयर एज सफारी में आपको देखने को मिल जाती है, इसीलिए आपको थोड़ा थर्ड रो में क्रैम्प्ड फील होगा बिकॉज इसकी सेकेंड रो जो है वो फिक्स्ड है। थर्ड कॉन पे आए तो थर्ड कॉन इसका रहेगा फॉर द पेट्रोल इंजन विद द ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। जो इसका पेट्रोल ऑटोमेटिक है दैट इज थर्स्टी ड्यू टू द व्हीकल्स वेट, क्योंकि ये व्हीकल हैवी है एंड साथ ही साथ ये जो पेट्रोल इंजन है ये प्रोड्यूस करता है 200 BHP विच इज सेगमेंट फर्स्ट, एंड ये ऑफर करा जाता है विद अ टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। तो टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इतनी फ्यूल एफिशिएंट नहीं होती हैं और साथ ही साथ ये पावर भी इतनी प्रोड्यूस करता है, हालांकि इसमें आपको 60 लीटर्स का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलता है XUV 700 में। फोर्थ कॉन पे आए सो दैट विल बी कैबिन के प्लास्टिक्स। जी हाँ, इसमें आपको काफ़ी हार्ड प्लास्टिक्स देखने को मिल जाते हैं एंड अ फ्यू रफ एरियाज जो प्रीमियम नहीं लगते हैं, बिकॉज जो आपको सॉफ्ट टच फिनिश देखने को मिलता है वो आपको सिर्फ फ्रंट में, जहाँ पर आपको आइवरी सी अपोस्ट्री देखने को मिलती है, वाइट अपोस्ट्री, वहीं पर ही सॉफ्ट टच सारा फिनिश देखने को मिलता है एंड वो फॉक्स वुडन फिनिश भी आपको प्लास्टिक से ही देखने को मिलता है टाइप से। सो इट डिपेंड्स ऑन द पर्सनस चॉइस कि कई लोगों को अच्छा लगेगा कई लोगों को नहीं अच्छा लगेगा, सो इट्स अपॉन यू टू डिसाइड। अब अगर हम फिफ्थ कॉन पे आए सो ये कुछ फीचर्स के बारे में जो कि मिसिंग रहते हैं इस व्हीकल से, जैसे कि ऑटो डिमिंग इनसाइड रेयर व्यू मिरर नहीं मिलता इसमें आपको, वेंटिलेटेड सीट्स नहीं देखने को मिलती, हालांकि परफोरेटेड लेदरेड सीट्स देखने को मिलती हैं, पैडल शिफ्टर्स भी नहीं देखने को मिलते, ना ही आपको फुल साइज का स्पेयर व्हील इस व्हीकल में देखने को मिलता। बाकी अदरवाइज दिस व्हीकल इज अ वेरी फीचर लोडेड SUV, नो डाउट इन दैट। अब अगर हम आए सिक्स्थ कॉन पे सो दैट इज महिंद्रा की आफ्टर सेल सर्विस। वो तो जब लोग गाड़ी लेंगे एंड जब सर्विसिंग होगी तभी पता चलेगा, बट स्टिल इट रिमेन्स अ गैम्बल। सेवंथ कॉन पे आए सो दैट विल बी फॉर द ऑल व्हील ड्राइव केपेबिलिटी। ऑल व्हील ड्राइव जो है वो सिर्फ आपको डीजल ऑटोमेटिक में देखने को मिलेगा, डीजल मैनुअल में भी नहीं देखने को मिलेगा, ना ही आपको पेट्रोल मोटर के साथ देखने को मिलता है, ओनली फॉर द डीजल ऑटोमेटिक ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन विल बी देयर फॉर यू। बाकी अदरवाइज बाकी सारे आपको जो वेरिएंट्स होंगे उसमें फ्रंट व्हील ड्राइव ऑप्शन देखने को मिलेगा। बाकी ये थे कुछ कॉन्स ऑफ द व्हीकल, अब बात कर लेते हैं प्रोज के बारे में। प्रोज तो काफ़ी ही हैं जो कि रहते हैं स्टाइलिंग के बारे में, क्योंकि इसकी स्टाइलिंग जो है वो काफ़ी प्रीमियम लगती है फ्रॉम द एक्सटीरियर टू इंटीरियर एंड सॉलिड बिल्ड क्वालिटी भी इस व्हीकल में हमें देखने को मिलेगी, स्ट्रीट प्रेजेंस भी देखने को मिलती है एंड रोबस्ट सी फीलिंग भी आती है इस व्हीकल को देख के। सेकेंड प्रो के बारे में बात करें सो दैट विल बी फॉर इट्स स्पेशियस इंटीरियर विद कम्फर्टेबल सीट्स। हालांकि अगेन जैसे कि मैंने आपको कॉन में बताया था कि इसकी सेकेंड रो सीट स्लाइडेबल नहीं है, बट हाँ एज अगर आप 5-सीटर SUV देखें तो ये काफ़ी कंफर्टेबल SUV रहती है एंड इट इज़ गुड फॉर 6-footer passengers एज वेल। 6-footer passengers भी इसकी सेकेंड रो में एंड फ्रंट में आराम से बैठ सकेंगे। थर्ड प्रो पे आए सो दैट विल बी द 182 BHP टर्बो डीजल एंड 197 BHP टर्बो पेट्रोल।
जो कि सेगमेंट में बेस्ट रहते हैं एज कम्पेयर्ड विद इट्स राइवल। फोर्थ प्रो पे आए, सो दैट विल बी द स्मूथ 6-speed टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक, जो आपको दोनों ही इंजन के साथ देखने को मिलते हैं। फिफ्थ प्रो पे आए, सो दैट विल बी द सॉर्टेड सस्पेंशन विद गुड रोड मैनर्स एंड हाई स्पीड स्टेबिलिटी। ये आपको मोनोकॉक चेसी पे बेस देखने को मिलती है, दैट्स वाई इट्स सस्पेंशन एंड स्टेबिलिटी एंड हैंडलिंग इज वेरी गुड। अब अगर हम सिक्स्थ प्रो पे आए, सो दैट विल बी ऑल व्हील ड्राइव अवेलेबल फॉर द एडवेंचरस। हालांकि जो इसकी सेगमेंट की राइवल्स हैं वो अभी तक आपको फ्रंट व्हील ड्राइव में ही देखने को मिलती है, क्रॉस ओवर वगैरह जैसे कि क्रेटा होगी, सेल्टॉस होगी, हेक्टर होगी, हेक्टर प्लस होगी, टाटा सफारी होगी। सेवेंथ प्रो पे आए, सो दैट विल बी लोडेड विद फीचर्स लाइक ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम यानी कि ADAS एंड पॉप आउट डोर हैंडल्स, पैनोरामिक सनरूफ व्हिच इज द लार्जेस्ट इन सेगमेंट एज एक्सप्लेन्ड बाय महिंद्रा। ड्राइवर मेमोरी सीट देखने को मिल जाती है, 360 डिग्री कैमरा देखने को मिल जाता है, 10.25 इंचेस का इंफोटेनमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है। इंफोटेनमेंट आपको एड्रेनॉक्स के साथ देखने को मिलता है विद बिल्ट इन एलेक्सा। अब अगर हम 8th प्रो पे हैं, सो एज एन ऑप्शनल पैकेज आप इसमें 12 स्पीकर सोनी का ऑडियो सिस्टम भी लगवा सकते हैं विच साउंड्स फैंटास्टिक एज आई सॉ इन अदर पीपल्स रिव्यू। अगर हम बात करें, अगर आप ये वाला ऑप्शन नहीं लेंगे 12 स्पीकर सिस्टम वाला सोनी का, तो इसमें आपको नॉर्मली नॉन ब्रांडेड 6 स्पीकर सिस्टम देखने को मिलता है। लास्ट प्रो पे आए, विच विल ऑल्सो बी द 9th प्रो, सो दैट विल बी द सेफ्टी फीचर्स जिसमें आपको 7 एयर बैग्स, ESP, ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स, हिल होल्ड, हिल डिसेंट कंट्रोल, ड्राइवर ड्राउजीनेस डिटेक्शन, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम एंड आइसोफिक्स देखने को मिल जाता है। बाकी अभी भी सारे वेरिएंट्स के प्राइसेस तो रिवील करे नहीं गए हैं, बट हाँ, इस व्हीकल का हम लॉन्च अक्टूबर तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद डिलीवरीज टू बिगिन फ्रॉम दिसंबर और अर्ली नेक्स्ट ईयर। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो मेक श्योर गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप, क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे सो दैट हेल्प्स द यूट्यूब एल्गोरिथम टू रिकॉग्नाइज माई चैनल। एंड गाइज, ऑल्सो consider hitting the subscribe button as well as the notification bell, ताकि आप मेरी इस interesting videos पे सबसे पहले notification पा सकें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी इस interesting video में। Till then, stay home, stay safe, bye bye.